नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसा विषय है जिसका विश्लेषण हम कर रहे हैं कि दक्षिण मुखी मकान आपके लिए भाग्यशाली कब बन जाता है, कैसे बन जाता है, हम क्या क्या उसमें करते हैं, क्या सावधानियां रखते हैं, तो इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा का मकान, ऐसे तो बहुत सारे वास्तुशास्त्री इसमें विश्लेषण किए हैं कि दक्षिण मुखी मकान नहीं बनाना चाहिए। इस पे लगभग मेरा 100 वीडियो से ऊपर आ चुका है और 100 वीडियो से अधिक बनाने के बाद किसी एक क्लाइंट के द्वारा ये आया कि गुरुजी, दक्षिण दिशा का मकान कैसे भाग्यशाली हो सकता है। आज हम इस पर यह विश्लेषण कर रहे हैं। दक्षिण दिशा का मकान, कुछ ऐसी सावधानियां आपको रखना आवश्यक है। बनाने वक्त में जब भी आप मकान बनाते हैं तो दक्षिण मुखी मकान या कोई ऐसा प्लॉट खरीदना चाहते हैं जो आप दक्षिण मुखी खरीद रहे हैं, तो ये 5-7 सावधानियां आप रख लेते हैं और फिर मकान बनाते हैं, तो गारंटी के साथ दक्षिण मुखी मकान आपके लिए बहुत अधिक फलदायक हो सकता है। सबसे पहली सावधानी है कि दक्षिण दिशा जो है यम का दिशा कहलाता है, पितृ का दिशा कहलाता है और मंगल का दिशा कहलाता है। अब इसमें सावधानी है कि ये सारे जो भी ग्रह या देवता हैं, यह नेगेटिव एनर्जी अधिक प्रवाहित करते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा का मकान लोग लेना नहीं चाहता है। साइंटिफिक समझें कि सूर्य की किरणें यहाँ अत्यधिक घातक अल्फाबीट किरणें छोड़ती हैं जो मनुष्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। देखिए, एक तो दक्षिण दिशा का तत्व अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व दूसरा कि अग्नि तत्व और अधिक बढ़ जाता है जब सूर्य की किरणें यहाँ आती है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसी सावधानियाँ रखते हैं कि सूर्य की किरणें हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी उतना नहीं दे सके, मनुष्य को उतना हानि नहीं पहुँचा सके, या मनुष्य इसके प्रभाव में अधिक ना रह सके। इसका कारण है कि जब सूर्य की किरणें अधिक तपन यहाँ देती है तो मंगल और बलिष्ठ हो जाता है, अग्नि और बलिष्ठ हो जाता है, और अग्नि जब बलिष्ठ हो जाता है तो दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, रिलेशन खराब होना, ये सारे चीज जो है सो अधिक होने लगता है। तो इसी को सावधानी रखना आवश्यक है। अब देखें कि सबसे पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम दक्षिण दिशा का सिलेक्शन करने लगते हैं मकान बनाने के लिए, तो प्लॉट ऐसा आप लें कि दक्षिण दिशा का मकान आपके लिए फलदायक हो। पहली सावधानी कि प्लॉट का जो ढाल हो यह दक्षिण से उत्तर की तरफ हो या पश्चिम से पूर्व की तरफ हो। दूसरी सावधानी कि अगर आयताकार आप लेते हैं तो आपका, या वर्गाकार लेते हैं तो यह प्लॉट आपके लिए श्रेष्ठ प्लॉट बन जाता है। तीसरी सावधानी है कि यहाँ पे दक्षिण दिशा में कभी भी कोई नदी नाला या कूप या यहाँ पर जो है किसी प्रकार का गड्ढा नहीं हो। दक्षिण दिशा में ऐसा प्लॉट नहीं लेना है जहाँ दक्षिण दिशा में पानी का स्रोत बहुत अधिक हो जो आपके लिए हानिप्रद हो सकता है, या यह बहुत खुला मैदान, सरकारी खुला मैदान हो जहाँ के आप मकान दूसरा कोई नहीं बना सकता है, तो ऐसे जगह पर भी ये प्लॉट का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। अब दूसरी सावधानी है कि जब भी मकान बनाने लगें तो आप दक्षिण दिशा अर्थात इसका 135 डिग्री से लेकर के आपको 225 डिग्री के बीच में एक तांबे का रॉड आप जमीन में 1.25 फीट नीचे जो है दबा दें या तार दबा दें,
ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर में प्रवेश नहीं हो पाए। फिर अगर आप मकान बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मुख्य द्वार बनाना है, गृह छत में बनाना है, अर्थात हम दक्षिण दिशा के क्षेत्र को जो 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में है, यह हम 9 भाग में बांट देते हैं, तो चौथे पद में आप दरवाजा बनाएं, मुख्य द्वार बनाएं, यह आपका मंगल का द्वार होगा और आप में आपके घर में सभी को सुख समृद्धि देगा, तरक्की देगा। अब फिर उसके बाद जो सावधानी रखना है कि अंडर टैंक वाटर या सेफ्टी टैंक इस क्षेत्र में डिग्री समझ लें 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में आपको बनाना ही नहीं है, बोरिंग नहीं करना है, कुआं नहीं खोदना है, अंडर टैंक वाटर नहीं बनाना है। जो सबसे जरूरी है, जब मकान आप बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, तो अग्नि तत्व के क्षेत्र में आप किचन जरूर रखें। अगर यहाँ रखते हैं तो आपका मकान लाभदायक हो सकता है, भाग्यकारक हो सकता है। और उसके बाद आपका जो क्षेत्र है, अर्थात उत्तर का क्षेत्र, पूर्व का क्षेत्र, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जितना अधिक ओपन एरिया छोड़ेंगे, खुला छोड़ेंगे, वह उतना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेगा। क्योंकि आपका साउथ मुखी मकान है, साउथ मुखी मकान में कभी भी दक्षिण के क्षेत्र में ओपन एरिया नहीं छोड़ना है, खुला नहीं छोड़ना है। और छोड़ना कहाँ है? उत्तर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जितना अधिक आप ओपन एरिया छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसी क्षेत्र में आपको बोरिंग, नलकूप इत्यादि, चापाकल इत्यादि बनाना है। अब जो सेफ्टी टैंक बनाना है, जो सावधानी की चीज़ है, उसी की बात कर रहे हैं। यह वायु कोण के जो मुख्य क्षेत्र है 315 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री छोड़ करके आप नॉर्थ के दीवार में भी बना सकते हैं और पश्चिम के दीवार में भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप घर बनाते हैं, ब्रह्म स्थान में सावधानी रखना है कि कभी भी आपको सीढ़ी या किचन इत्यादि या कोई कॉलम इत्यादि, भारी पिलर इत्यादि नहीं देना है। जितना हल्का रखेंगे वहाँ आप जो है हॉल इत्यादि रखें। तो ये सारी चीज आपके लिए दक्षिण दिशा का मकान भाग्यकारक हो सकता है। और जो क्षेत्र है और जो सावधानी है उसको देखना आवश्यक है कि कभी भी आप 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में नीला कलर, काला कलर नहीं करना है। यह जल तत्व का कलर है और दक्षिण दिशा आपका अग्नि तत्व से प्रभावित है। तो आप जल क्षेत्र में अगर जल लेकर चले जाते हैं तो जो अग्नि के क्षेत्र का, अर्थात दक्षिण दिशा का क्षेत्र का आपका घर रहेगा वह हानिप्रद हो जाएगा, भाग्यकारक नहीं रहेगा। तो ये भाग्यकारक मकान बनाने के लिए ये सारे सावधानी आपको रखना आवश्यक है। किसी प्रकार का कोई कमेंट आप चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में करें, बिल्कुल हम आपको उचित सलाह देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।